Good morning, class. Today we will be study moral science of class 2. So please take out your MSc book. And now open your book. Page number 2929. Today we will study chapter 8. Your chapter name is God is always there to protect you. Your chapter name is God is always there to protect you. Means ये है कि भगवान हमेशा आपकी रक्षा के लिए है. जब गॉड है हमारे भगवान है वो हमेशा हमारी रक्षा के लिए है. तो इस चैप्टर का नेम का मीन्स ये है कि भगवान हमेशा आपकी रक्षा के लिए है. तो जो आपका चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है कि जो गॉड है भगवान है वो आपकी रक्षा करेंगे. तो उसी पर इस चैप्टर की जो स्टोरी है बेस्ड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है स्टोरी में. सो लेट्स स्टार्ट. अ स्मॉल बॉय कॉल्ड अहमद लिव इन अ विलेज नियर अ हिल. अ स्मॉल बॉय कॉल्ड अहमद लिव इन अ विलेज नियर अ हिल. अहमद नाम का एक छोटा सा लड़का एक पहाड़ी के पास एक गांव में रहता है. लड़का है छोटा सा लड़का, उसका नाम क्या है अहमद. और वो कहाँ रहता है, वो एक छोटे से गांव में. जो छोटा लड़का है एक पहाड़ी के पास एक गांव में रहता है. जो उसका गांव है वो कहाँ पे है, पहाड़ी के पास है. अ स्मॉल बॉय कॉल्ड अहमद Live in a village near a hill. अहमद नाम का एक छोटा लड़का एक पहाड़ी के पास एक गांव में रहता है. One day he said to his mother, I am going up the hill to pluck berries. एक दिन उसने अपनी माँ से कहा. One day he said to his mother. एक दिन उसने अपनी माँ से कहा. One day he said to his mother, I am going up to hill to pluck berries. मैं पहाड़ी पर जामुन तोड़ने जा रहा हूँ. एक दिन वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, किससे बोलता है, अपनी माँ से बोलता है कि मैं पहाड़ी पर जामुन तोड़ने जा रहा हूँ. Be careful, सावधान रहो. Be careful, सावधान रहो. Said mother, किसने कहा, माँ ने कहा. Be careful, said mother, माँ सावधान रहो, माँ ने कहा. It might rain today, आज बारिश हो सकती है. It might rain today, आज बारिश हो सकती है. अहमद happily at the ripe sweet berries. अहमद हैप्पली एट द राइप स्वीट्स बेरीज. अहमद ने खुशी खुशी पके मीठे जामुन खाए. ही फॉरगेट द टाइम, वह समय भूल गया. ही फॉरगेट द टाइम, वह समय भूल गया. सून देयर वेयर डार्क क्लाउड इज इन द स्काई. सून देयर वेयर डार्क क्लाउड इन द स्काई. देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए. Soon there were dark cloud in the sky. देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए. It started raining. बारिश होना शुरू हो गई. बारिश स्टार्ट हो गई. It started raining. बारिश होना शुरू हो गई. अहमद ran down the hill. अहमद पहाड़ी से नीचे भागा. अहमद ran down the hill. अहमद पहाड़ी से नीचे भागा. He slipped and started falling. वह फिसल कर गिरने लगा. वह फिसल कर गिरने लगा. Luckily he caught the branch of a bus.
Luckily, he caught the branch of a bush. Luckily means कि सौभाग्य से, भाग्य से उसने एक झाड़ी की शाखा को पकड़ लिया. क्या किया? Luckily means कि भाग्य से वो एक उसने एक झाड़ी की शाखा को पकड़ लिया. He was hanging from the branch, feeling scared when he heard his father's voice. Ahmed, where are you? वह शाखा से लटक रहा था. देखिए, ही वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच. वह शाखा से, मतलब जो टहनी से लटक रहा था. फीलिंग स्केयर्ड व्हेन ही हियर्ड हिज फादर वॉइस. पिता की आवाज सुनकर डर गया. मीन जब उन्हें पापा की, फादर की आवाज सुनता है तो क्या होता है? डर जाता है. Feeling scared when he heard his father's voice. अपनी पापा की आवाज़ सुन करके डर जाता है. Ahmed, where are you? Ahmed, तुम कहाँ हो? उसके पापा यही बोलते रहते हैं कि Ahmed, तुम कहाँ हो? फिर से देख लीजिए एक बार यहाँ से कि वो लकली, तो मतलब भाग्य से वो क्या होता है कि एक शाखा को पकड़ के तो लट जाए. लकली वो क्या करता है कि एक झाड़ी की शाखा को पकड़ के लटक गया रहता है, पकड़ लिया रहता है, तो फिर उससे लटकने लगता है. लेकिन पिता की आवाज़ सुनकर, मीन्स पापा की, फादर की आवाज़ सुनकर के वो क्या होता है? डर जाता है. और पापा की आवाज़ सुनकर के क्या होता है? वो डर जाता है. Ahmed, तुम कहाँ हो? आई एम हियर फादर. मैं यहाँ हूँ पापा. आई एम हियर फादर. मैं यहाँ हूँ. सेड Ahmed. Ahmed ने कहा. आई एम हियर फादर. सेड Ahmed. मैं यहाँ हूँ. Ahmed ने कहा. फादर स्टूड अंडर द बस एंड सेड लेट गो सून सन. फादर स्टूड अंडर द बस एंड सेड लेट गो सन. पिता ने झाड़ी के नीचे खड़े होकर कहा, जाने दो बेटा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा. फादर स्टूड अंडर द बुश एंड सेड लेट गो सन. पिता ने झाड़ी के नीचे खड़े होकर कहा, जाने दो बेटा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा. यू विल नॉट गेट हर्ट. तुम्हें चोट नहीं लगेगी. Ahmed was afraid. Ahmed डर गया. But when he saw his father's face, he felt safe. जब उसने अपने पापा का चेहरा देखा तो वह सुरक्षित फील करने लगा, महसूस करने लगा. When he saw his father's face, he felt safe. जब उसने अपने पापा का फेस देखा, चेहरा देखा, तो वह सुरक्षित फील करने, मतलब को सेफ फील करने लगा. He let go of the branch and his father caught him in his arms. He let go of the branch and his father caught him in his arms. उसने शाखा को छोड़ दिया, मिंजू डाली पकड़ी थी, झाड़ी को पकड़ा था, उसने उसको छोड़ दिया और उसके पापा ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया. और उसके पापा ने उसे क्या किया? जब वो अपनी डाली को छोड़ दिया, जो झाड़ी पकड़ा था, जिसको पकड़ के लटक रहा था, उसने उसको छोड़ दिया, ब्रांच को मतलब शाखा को छोड़ दिया, और उसके पापा ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया. Who will save me when you are not there? जब तुम नहीं हो,
जब तुम नहीं हो तो मुझे कौन बचाएगा? Who will save me when you are not there? जब तुम नहीं हो तो मुझे कौन बचाएगा? Asked Ahmed. अहमद ने पूछा. Who will save me when you are not there? जब तुम नहीं हो तो मुझे कौन बचाएगा? Asked Ahmed. God is always there to protect you. God is always there to protect you. भगवान हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए है. God is always there to protect you. भगवान हमेशा आपकी रक्षा के लिए है. Said father. पिता ने कहा. जब उसने पूछा कि जब आप नहीं रहोगे तो कौन बचाएगा, पूछा था उसने, तो वही उसके पापा ने कहा कि भगवान हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए है. ऐसा किसने कहा? पिता ने, पापा ने उसके कहा. मदर वॉज प्लीज टू सी अहमद सेफ. यू मस्ट स्पेंड सम टाइम विथ गॉड एवरी डे. सी सेड ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू. He is always there for you. The boy not afraid anymore. Mother was pleased to see Ahmed safe. अहमद को सुरक्षित देखकर माँ प्रसन्न हुई. मीन्स की जो माँ उसकी मम्मी थी उसको देख करके बहुत, जो सेफ रहता है तो उसको देख करके खुश होती हैं. Mother was pleased to see Ahmed safe. You must spend some time with God every day. You must spend some time with God every day. आपको हर दिन भगवान के साथ कुछ समय बिताना चाहिए. You must spend some time with God एवरी डे. आपको हर दिन कुछ समय भगवान के साथ, गॉड के साथ बिताना चाहिए. ही सेड उसने कहा. सी सेड उसने कहा. ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू. वह हमेशा तुम्हारे लिए है. मदर उसको जब सेफ हो जाता है तो माँ उसको देख करके खुश होती है. बट वो बोलती हैं कि आपको हर दिन भगवान के साथ, आपको हर दिन भगवान के साथ कुछ समय बिताना चाहिए. ही सेड वह बोली, वह कहीं ऐसा. ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू. वह हमेशा तुम्हारे लिए है. द बॉय नॉट अफ्रेड एनी मोर. लड़का अब कभी भी नहीं डरता. द बॉय नॉट अफ्रेड एनी मोर. लड़का अब नहीं डरता. तो ये आपकी स्टोरी थी चैप्टर 8 क्या था आपका? गॉड इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू. जो आपके भगवान, जो भगवान है वो हमेशा आपके लिए है, आपको सेफ रखने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए भगवान है. जो गॉड है वो हमेशा हमारे लिए है, वो हमेशा हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये आपकी इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी है. We should have faith in God. He is always with us. ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए. जो भगवान है उसमें हमको आस्था रखनी, उन पर विश्वास रखनी चाहिए, उन पर फेथ रखिए. गॉड, जो गॉड है, भगवान है, उस पर हमें क्या करनी, आस्था रखनी चाहिए, उन पर अपनी फेथ रखनी चाहिए. तो हमें ईश्वर पे आस्था रखनी चाहिए, वो हमेशा हमारे साथ है. आप उन पे फेथ रखोगे, आप उन पे विश्वास रखोगे तो भगवान आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे. उसकी माँ बोलती है ना कि आप, कि भगवान आपके साथ हमेशा, लेकिन ये है कि हाँ, भगवान के साथ आपको कुछ टाइम बताने पड़ेंगे. ये नहीं कि जब हम हैप्पी हैं तो भगवान को भूल जाए, बस जब सैड हो, दुखी हो, हमारे पास परेशानी हो तभी भगवान, हमें भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए. हमेशा भगवान को याद रखेंगे, भगवान पे फेथ रखेंगे, भगवान पे विश्वास रखेंगे तो आपके साथ हमेशा ही भगवान रहेंगे. We should have faith in God. हमें ईश्वर में आशा रखनी चाहिए. He is always with us. वो हमेशा हमारे साथ है. तो आज का चैप्टर, जो चैप्टर था आपका चैप्टर 8, God is always there to protect you, यहीं पे फिनिश होता है. होप कि आप लोग को इसको स्टोरी
समझ में आ गई होगी। जो भी डाउट्स होंगे वो उसको आप वीडियो देख करके आपने या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसको आपने जो डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।